लोग किससे नाराज है, जो पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है लोग उससे नाराज है, जो गैस का दाम बढ़ा रहा है उससे नाराज है, जो दंगा लगा रहे लोग उससे नाराज है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे लोग उससे नाराज है। हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम का काम रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं कि हम लोग कितना काम किए हैं पूरे बंगाल में। आज जो 34 साल का CPM का हुकूमत था उसमें का काम देखिए, आज हम लोग का 10 साल में जो काम करके दिखा है वो 34 साल में CPM का हुकूमत उसका एक मैंने इंच भी काम करके नहीं दिया है। तो 221 सीट कन्फर्म, हम बोले 221, अमित शाह जी बोलते 200, तो किसको हम लोग माने? हमारा मानिए ना, काम हम करते कि अमित शाह करता है? अमित शाह तो झगड़ा लगाता। अरे उससे क्या हो, गृह मंत्री का यही काम है कि हर पार्टी का आदमी ले जाके 5 आदमी के लिए पर्सनल फ्लाइट जेट ले जाके उसको हाईजेक करे। अरे अपने में ताकत है तो अपने में करो ना, अपना गुजरात को बनाओ ना, अपना बिहार को बनाओ, यूपी के बनाओ और सारा स्टेट को बनाओ, बंगाल के पीछे क्यों पड़े? अवेसी साहब को आप पहले जान लीजिए, वो BJP के दलाल है। वो जहाँ भी जाते हैं BJP को दलाली करके BJP का वोट को फोकस करते हैं और मुस्लिम वोट को काट के BJP में हिंदू वोट जोड़ के वो ये बना देते हैं, फंडा कर देते हैं। तो उस फंडा में ये बंगाल में आने वाला नहीं है, बंगाल के लोग समझदार है। जमहूरियत में तो कोई भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है, आप भी जाके हैदराबाद से लड़िए। तो अवेसी जी जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो आप लोग क्यों उन पर सवाल उठाते हैं? हम लोग दोगला पॉलिसी जानते नहीं है, दोगला ही करते नहीं है, दोगला ही करने आते हैं। अगर उस ढंग से भोग लड़ने आए तो कोई इनकार नहीं है। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, उनको करना है तो सेकुलरिज्म पार्टी बनाए, हिंदू को भी रखें, बंगाली को भी रखें, गुजराती को भी रखें। आदाब, मैं अशफाक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, कमोबेश 3 महीना का समय बाकी है पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव में। और इस वक्त हम लोग हैं कमरट्टी विधानसभा क्षेत्र में। कमरट्टी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो आमतौर पर CPM का गढ़ माना गया है, लेकिन 2011 में जब सत्ता का चेंज हुआ तो TMC ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। मदन मित्रा यहाँ से MLA बने, बाद में वो ट्रांसपोर्ट मंत्री और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी बने। 2016 साल में पूरा ही गणित उल्टा हो गया, शारदा कांड आया, मदन मित्रा को जेल के अंदर जाना पड़ा और वो जेल से ही इलेक्शन लड़े, लेकिन उस वक्त वो चुनाव हार गए थे और CPM के कैंडिडेट यहाँ से जीत गए थे। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कमरट्टी विधानसभा में और हम लोग हैं BT रोड में खड़े। मेरे सामने TMC के पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल खालिक साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे और पश्चिम बंगाल की क्या सियासी सूरत हाल है हम उस पर हम बात करेंगे। खालिक साहब, 2016 का विधानसभा चुनाव, 2011 का चुनाव, 2021 का चुनाव में कितना चैलेंज है आपकी पार्टी को, ये बताएं इस बार के चुनाव? इस बार अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमें आपके चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला। और अभी तक का जो पूरे बंगाल में रिजल्ट है ये हम लोग 2021 में हर साल से ज़्यादा इस बार सीट लेके आएंगे। क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से टफ मुकाबला इस बार? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग के मुकाबला में कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग काम किए हैं, हम लोग काम का रिपोर्ट लेके चलते हैं। हमारी ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग घूमते हैं। आज देखिए हमारे बंगाल में लोग राशन फ्री पाते हैं, तालीम फ्री पाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म फ्री पाते हैं, साइकिल फ्री पाते हैं, राशन फ्री पाते हैं। तो ऐसे हुकूमत में BJP का आना यहाँ नामुमकिन है। नहीं, आपकी सरकार राशन भी दे रही है, तालीम भी फ्री है, द्वारे द्वारे सरकार भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि इस बार फिर भी आप लोग जा रहे हैं, लोग आपसे बहुत नाराज़ है, क्यों? अरे लोग किससे नाराज़ है, जो पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है लोग उससे नाराज़ हैं, जो गैस का दाम बढ़ा रहा है उससे नाराज़ है, जो दंगा लगा रहे लोग उससे नाराज़ हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे लोग उससे नाराज़ हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम का रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं कि हम लोग कितना काम किए हैं पूरे बंगाल में। आज जो 34 साल का CPM का हुकूमत था उसमें का काम देखिए, आज हम लोग 10 साल में जो काम करके दिखा है वो 34 साल में CPM का हुकूमत उसका एक मैंने इंच भी काम करके नहीं दिया है। तो आज बंगाल का हुकूमत के पूरे आवाम पूरे पब्लिक दीदी के साथ है। नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग का ये दावा है कि हम लोग काम करें, इसके बावजूद भी आपके पार्टी के MLA MP मंत्री सब भागम भाग क्यों लगा हुआ है खालिक साहब? अरे भाई, जो सुविधावादी हैं वो भाग रहे हैं, जो इस
पार्टी में रह के उनका औकार नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के वो लोग पार्टी में आए, ममता बनर्जी उनको काउंसलर बनाई, काउंसलर से एमएलए बनाई, एमएलए से एमपी बनाई, एमपी से मिनिस्टर बनाई, तो अपना अपना सुविधा खोजते थे। और हम लोग का पार्टी यही है कहता है कि जो पब्लिक के साथ है, जो पब्लिक रिलेशन में है, उसके साथ दीदी है और दीदी के साथ पूरा जनता है, वो अपने फेर में है। आज बीजेपी में वो लोग हैं। आज देखिए, जो लॉकडाउन का टाइम में आप देखे होंगे, आपका मीडिया के चैनल से भी आप लोग भी दिखाए होंगे, पूरे हिंदुस्तान में लोग रास्ता में मर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर मर रहे हैं, रास्ता में आ रहे हैं वहाँ मर जा रहे हैं, माने भूखे प्यासे लोग चल रहे हैं, पाँव में छाली पड़ गया। उनको लाने के लिए आज गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट कोई सुविधा, कोई गाड़ी नहीं दी, लेकिन ये चार माने ये चार या पाँच जो भी ये लोग गए बीजेपी में, इनके लिए एक प्राइवेट जेट कार भेजा गया। तो ये राजीव बनर्जी पे कह रहे हैं, राजीव बनर्जी वैशाली डालमिया, इनके लिए जो जेट भेजा गया अमित शाह ने। अरे भाई, उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं जी। तो ये क्या उनके बाप के पैसा था? ये पब्लिक का पैसा है, ये पैसा को नुकसान कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। इनको समझना चाहिए, जरा सा भी शर्म आया होगा तो ये लोग अपना सोचेगा कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये पब्लिक का फंड है, इसको लेके वो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके ये पांच आदमी को बुला रहा। अगर ये काम लॉकडाउन में किया होता तो आदमी बोलता इंसानियत है। कोई इंसानियत नहीं है बीजेपी पार्टी में, सिर्फ दंगा करने जानती है और आपस में अब कैसे भाईचारा खत्म होगा ये जानती है। अच्छा, बीजेपी की ओर से रथ यात्रा निकल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, तो आपकी पार्टी को उससे डर क्यों लग रहा है? क्यों नहीं आप लोग उसको इजाज़त दे देते इसके लिए? अरे भाई, रथ यात्रा करके क्या करेगा? रथ यात्रा कोई माने नहीं रखता है। रथ यात्रा तो आप बिहार में भी किए, यूपी में भी किए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को उससे कोई टेंशन नहीं है। कोई भी यात्रा निकाले बंगाल में, आपको टोटली फाइनली फुल एंड फाइनल हम लोग 2021 में 2221 सीट से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, मैं आप जिस असेंबली सीट में रहते हैं कमरट्टी, हम यहाँ की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अर्जुन सिंह का एक बयान सुना था जो बीजेपी के सांसद है। अर्जुन सिंह ने मदन मित्रा को ओपन चैलेंज किया था कि वो उन्हें 20,000 वोटों से हराएंगे इस बार, तो क्या लगता है इस बार ये सीट आप लोग हाथ में आएगा वापस फिर से? अरे भाई, अर्जुन सिंह को डर हो गया है कि मदन मित्रा को दीदी पूरे बंगाल का दायित्व दे दी है। अब मदन मित्रा का ऐसा लीडर है जिसका फैन फॉलोअर इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ भी जाएगा उस इलाका में दीदी का पूरा बोलबाला हो जाता है। तो उनको दहशत हो गया कैसे भी करके हम लोग मदन मित्रा को फ्लॉप करे, लेकिन मदन मित्रा फ्लॉप नहीं होगा। अगर वो 20,000 वोट से हारने को बोला है तो हम बोलते हैं मदन मित्रा यहाँ 30,000 वोट से जीतेंगे। लेकिन आप बोलते हैं मदन मित्रा बहुत हैवी वेट है, लेकिन फिर भी मदन मित्रा 2016 में हार गए, 2019 में भाटपाड़ा से वो आपका हार गए थे असेंबली, क्यों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हारे नहीं थे। वोट को ईवीएम से हैकिंग किया गया था, लूटमार किया गया था, इसके कारण वो मैंने जो भी हुआ था, लेकिन हारे नहीं थे, आज भी उनका जीत है। इस बार पश्चिम बंगाल से आपकी पार्टी को कितना सीट मिलेगा खालिक साहब? 221 सीट कंफर्म। आप बोले 221, अमित शाह जी बोलते 200, तो किसको हम लोग माने? अरे हमारा मानिए ना, काम हम करते कि अमित शाह करता है? अमित शाह तो झगड़ा लगाता है देश का। अरे उससे क्या हो, गृह मंत्री का यही काम है कि हर पार्टी का आदमी ले आके पांच आदमी के लिए पर्सनल फ्लाइट जेट ले आके उसको हाईजेक करे। अरे अपने में ताकत है तो अपने में करो ना, अपना गुजरात को बनाओ ना, अपना बिहार को बनाओ, यूपी के बनाओ और सारा स्टेट को बनाओ, बंगाल के पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा, बीजेपी बोल रही है हम लोग पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, तो आप लोग को इसमें क्यों गुस्सा क्यों आता है इस बात में? कहे गुस्सा आएगा भाई, हमारा सोनार बंगला तो शुरू से सोनार बंगला, इसको बनाने का तो दरकार नहीं है। अगर उनको बनाना है तो गुजरात में बनाए, बिहार को बनाए, गुजरात सोनार गुजरात बनाए, सोनार बिहार बनाए। सोनार बंगला ऑलरेडी सोनार बंगला है, इसका एक मालिक बैठी हुई है जिसका नाम है ममता बनर्जी। यहाँ सोनार बंगला नहीं चलेगा, ऑलरेडी सोनार बंगला है। शुभेंदु अधिकारी जो आपके पार्टी के कभी नेता था, अभी वो भाजपा के नेता है, उन्होंने ममता जी को चैलेंज किया है कि वो नंदीग्राम से उन्हें हरा के दिखाएंगे, क्या लगता है? अरे शुभेंदु अधिकारी, माँ का सामने बच्चा चलता है, वो कितनों तो माँ है, माँ का जो रेस्पेक्ट है वो बच्चा का नहीं है। बच्चा तो चोर चीटिंग बाज हो गया है, वो तो डर से दूसरे पार्टी में भाग गया है। और दीदी का जो चेहरा है, जो उनका ये है, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का वो टॉप मोस्ट फिगर है, एक नंबर, तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। शुभेंदु अधिकारी का बाप भी आ जाएगा शिशिर अधिकारी, वो भी दीदी का मुकाबला, अभी भी आपकी पार्टी के एमपी है। अरे तो हम, वो तो जब बाप बेटा चला गया तो बाप भी तो उसी का रहने कर्म चल रहा है। कहाँ आ रहा, हम लोग का मीटिंग में नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा,
तो हम लोग एक घर में अगर कोई गद्दार हो गया तो सबको हम गद्दारी मानते हैं, मतलब पूरा अधिकारी फैमिली को गद्दार मानते हैं। हम नेगलेक्ट करते हैं, हम टोटली अधिकारी फैमिली को नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा ये बताया कि असदुद्दीन अवैसी पूरे पश्चिम बंगाल में वो भी आ रहे हैं, और आप जिस सेट में रहते हैं कमरट्टी, यहाँ पर भी मुसलमानों मुस्लिम वोटर्स है, तो अवैसी फैक्टर या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो पार्टी अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है कमरट्टी में आती है, तो कितना असर पड़ेगा? जो आप अवैसुद्दीन के बारे में बता रहे हैं, अवैसी साहब के बारे में, मैं अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि अवैसी साहब को आप पहले जान लीजिए कि वो बीजेपी के एक दलाल हैं। वो जहाँ भी जाते हैं बीजेपी को दलाली करके बीजेपी का वोट को फोकस करते हैं, और मुस्लिम वोट को काट के बीजेपी में हिंदू वोट जोड़ के वो ये बना देते हैं, फंडा कर देते हैं। तो उस फंडा में ये बंगाल में आने वाला नहीं है, बंगाल के लोग समझदार हैं। लेकिन जमहूरियत में तो कोई भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है, लड़े ना आप भी जाके हैदराबाद से लड़िए। हाँ। तो अवैसी जी जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो आप लोग क्यों उन पर सवाल उठाते हैं? हम लोग दोगला पॉलिसी जानते नहीं है, दोगलाई करते नहीं है, वो दोगलाई करने आते हैं। अगर उस ढंग से वोट लड़ने आए तो कोई इनकार नहीं है। वो क्यों मुस्लिम मुस्लिम करते हैं? उनको करना है तो सेकुलरिज्म पार्टी बनाए, हिंदू को भी रखें, बंगाली को भी रखें, गुजराती को भी रखें। हिंदू तो है उनकी पार्टी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कहाँ है, आप दिखाइए बिहार में क्या एक तो भी हिंदू को सीट दिए थे उन्होंने? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटली बीजेपी को मुस्लिम को लेके आप बीजेपी को मैंने जिताना चाहते हैं। आपकी पार्टी पर भी तो आरोप है कि आपकी पार्टी जो मुसलमानों का बहुत ज्यादा ही रखती है ख्याल। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ आप देख रहे हैं, हमारे पार्टी में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ चलते हैं। दीदी हमारी क्रिश्चियन के भी प्रोग्राम में जाती हैं, आप दुर्गा पूजा में भी जाती हैं, काली पूजा में भी जाती हैं, ईद में भी आती हैं, दिवाली में भी करती हैं। तो ऐसा कोई एक आदमी आप बता दीजिए कि दीदी सेकुलरिज्म नहीं है, दीदी सबके लिए है। लेकिन फिर भी लोग दीदी को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी कश्ती में हो गई है छेद, सब लोग जा रहे हैं? मेरी कश्ती में कोई छेद नहीं है, जो जा रहे हैं उनकी बस्ती में खुद छेद हो गई है कि उनको डर हो गया कि हमको अब यहाँ वोट नहीं मिलने वाला है, अब पब्लिक का लाज जूता मिलेगा, इसलिए वो लोग भाग रहे हैं कि हम इतना चोरी चीटिंगबाजी जो किए हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट हमको CBI को दे के पकड़वा देगी। वो अपने जान से बचने के लिए वो लोग जा रहे हैं बीजेपी में। मुसलमान वोट कहाँ जाएगा? आप खुद TMC मायोरिटी सेल के नेता है, इस पर क्या? मुस्लिम वोट और हिंदू वोट और बंगाली वोट, दलित वोट, मद्रासी वोट, ईसाई वोट, सब TMC में जाएगा बंगाल में, और दूसरे को वोट नहीं मिलेगा, ना CPM को मिलेगा, ना कांग्रेस को मिलेगा। बोलते हैं कि सबको जाएगा, तो 2019 में 18 सीट भाजपा को मिली कैसी, ये बताएं। 2019 में आपको पता होगा ये लोग EVM हैकिंग किया था, और ये लोग पहले बता दिया था कि मेरा 20 सीट कन्फर्म है, एक एक सीट का मैं बता रहा हूँ, वो लोग 8-8 करोड़ रुपया दे के EVM हैकिंग कर रहा। तो अभी पब्लिक जान गई है, इस बार बंगाल में हम लोग ऐसा चलने नहीं देंगे, अभी चलने नहीं देंगे। इस बार कैसे लड़ना होगा हम लोग लड़ के दिखाएंगे, इस बार खेला होवे हमारा खेलाटा देखा वो। क्या इस बार आप लोग को टफ चैलेंज है दूसरी पार्टियों से? हम लोग के लिए कोई टफ चैलेंज नहीं, हम लोग काम किए हैं। जो बच्चा पढ़ाई करता है स्टडी करता है उसको एग्जाम में डर नहीं लगता है, जो स्टडी नहीं किया है जो पढ़ाई नहीं किया वो चीटिंग करेगा, EVM हैकिंग करेगा, वो काम हम लोग का नहीं है। कालीघाट में भी बोला जा रहा है कि वहाँ से भी बगावत हो रहा है, ममता बनर्जी के घर से लोग अब BJP में जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई वो 2-4 आदमी को कहाँ कहाँ से खरीद के ला के बोल के बोल रही है कालीघाट में रहते हैं, तो ये सब आप BJP का बहुत बड़ा कारनामा है। आज देखिए दिल्ली में जो किसानों का साथ, उसमें अपना आदमी ढुका के आप बवाल करा रहा, तो उसका हर जगह वही काम है। जहाँ अच्छा माहौल है उस माहौल को कैसे गंदा और ख़राब किया जाए वो BJP का काम है। खाली साहब पश्चिम बंगाल में मायोरिटी सेल के बड़े नेता है, मैं चाहता हूँ 5 ऐसा काम जो आपकी गवर्नमेंट ने 2011 से 21 तक किया है वो हमारे दर्शकों को बताएं, 5 बड़ा काम। बड़ा काम, सबसे बड़ा काम तो सबके लिए इंश्योरेंस कर दिया गया, जिंदगी, रोटी कपड़ा और मकान, हम लोग घर भी दिए, रोटी भी दिए, और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी दिए, बच्चों की तालीम भी दिए। कितना काम है, काम जोड़ाएंगे तो 72 काम है हम लोग का। 5 काम की बात करते हैं, बाकी काम आपको बताने पड़ेगा, 65 काम हमको और बताना पड़ेगा। तो 65 काम कब बताएंगे? टोटल काम है हमारा, उसका रिपोर्ट है, आप उसको आप देख लीजिए, काम हम लोग तो कर ही रहे। आपने 5 का पूछा, मैं 5 का बताया। BJP कहता है आपके शासन में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बेकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन इससे पहले कौन शासन में था? अभी तो हम लोग बहुत डेवलप किए हैं, रास्ता डेवलप हुआ है, हॉस्पिटल डेवलप हुआ है, आपको नर्सिंग होम डेवलप हुआ है, गवर्नमेंट का
जितना प्रोजेक्ट है सब डेवलप हुआ है, पुलिस प्रशासन डेवलप हुआ है, कहाँ डेवलप नहीं है ये बताइए। बीजेपी ने किया कि आप हमको ये बताइए, बीजेपी का एक भी काम बताइए, आप एक भी अच्छा और नेक काम बता दीजिए बीजेपी का कि हाँ ये वो काम किया है। ये श्रीमती ईरानी जो है, गैस का दाम बढ़ जाता था तो चूड़ी उड़ी खोल के रास्ता में उतर जाती थी, अब क्या वो लोग हिजड़ा हो गया है, अब क्या वो हिजड़ा हो गई है, अब नहीं उतरना है, पेट्रोल का दाम 90 रुपया हो गया है, ये सब बीजेपी को नहीं लौक रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसा पार्टी को जो आगे पब्लिक के सामने भीख मांगता है, जो काम किया है उनको वोट की जरूरत नहीं है, लोग दुआ देंगे, आ दीदी को आशीर्वाद देंगे, 2021 में भारी बहुमत से 221 सीट कंफर्म जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल खालिक, TMC माइनॉरिटी सेल के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी पार्टी ने काम किया है, जो काम करते उन्हें किसी बात का डर नहीं होती है, बीजेपी चाहे जो भी कर ले पूरे बंगाल में और इस विधानसभा क्षेत्र में इनकी पार्टी को ही कामयाबी मिलेगी। आप सब इसी तरह देखते रहे हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया।